हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलिस पीरियोडिक टेबल। तो मेरिट्स जो भी थे वो हमने पढ़ लिए थे मेंडेलिस के, तो तीन मेरिट्स हमने लिखे थे। तो क्या था वो मेरिट्स, क्या थे? एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट वेयर रिवाइज सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज। की प्रॉपर्टीज के हिसाब से एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, उनको पोजिशन दे दी गई। और मेंडेलिस ने क्या कर करके रखा था, केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट दैट नॉट डिस्कवर्ड। ये था ओके। तो जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उसके लिए जगह भी छोड़ के रखी थी उसने। और नो प्लेस रिजर्व फॉर द नोबल गैस, नोबल गैस के लिए जो भी प्लेसेस थे वो भी उसने रिजर्व करके नहीं रखे थे। और जब वो फाइंड आउट हो गए, डिस्कवर्ड हो गए, तो उनको एक नया टेबल ने नया कॉलम में फिट कर दिया और उसको जीरो ग्रुप करके नाम दे दिया। तो अभी तो हम जो पढ़ते हैं अभी लेटेस्ट में वो तो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन मेंडेलिस ने भी अच्छा खासा दिया, मतलब टेबल बनाया था, लेकिन वो भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न दिया है, देखो, डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलिस पीरियोडिक टेबल। ये डीमेरिट्स थे उसके, यानी इसको एक तरह के हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं या डिफेक्ट भी कह सकते हैं। तो इसे तो डीमेरिट्स लिख लेते हैं हम, डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलिस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो क्या था डीमेरिट्स? तो यहाँ पे दिया है द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकेल इज सेम। द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कौन सा? कोबाल्ट एंड निकेल। एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल क्या था? सेम था। अब देखो, एटॉमिक मास अगर दो एलिमेंट का अगर सेम आ जाए और आप अगर मतलब ये फिर उसको रखेंगे कहाँ पे? ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं ना बात को? तो मतलब क्या है कि अगर किसी चीज़ समझ लो आप, कि आपको अगर बच्चों को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट के हिसाब से अगर लगाना है, और मान लो कि कोई ऐसे अगर दो बच्चे आ गए जिनका वेट एग्जैक्ट सेम वेट है, पॉइंट टू पॉइंट सेम है, तो फिर उनको एक जगह मतलब उनको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठाना है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। मतलब आगे कौन सा रखेंगे, पीछे कौन सा रखेंगे, या दोनों को साथ में रखेंगे, ये तो प्रॉब्लम हो गई। और एक एक बॉक्स में तो एक ही बच्चा चाहिए, या तो दो एक जगह तो दो बैठ नहीं सकते, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया। तो यही है डीमेरिट्स मेंडेलिस का, द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम। एटॉमिक मास क्या था? कोबाल्ट एंड निकेल का सेम था। देर इज द एम्बिग्यूटी। क्या थी एम्बिग्यूटी? एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर सिक्वेंस इन द मेंडेलिस पीरियोडिक टेबल। एम्बिग्यूटी मतलब क्या हो गया? देर इज अस इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नॉट कन्फर्मेशन, मतलब कन्फर्मेशन था, मतलब कन्फ्यूज़न था एक तरह का रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ मेंडेलिस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो किसके बारे में? निकेल और कोबाल्ट के पोजिशन के बारे में ये था इसका डीमेरिट्स। ओके, तो और फिर आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड। तो जो भी आइसोटोप्स डिस्कवर्ड हुए थे, देखो, आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडेलिस पुट फोर्थ द पीरियोडिक टेबल एज आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब देखो, आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनका, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट है। अब देखो, ये तो ये भी प्रॉब्लमेटिक की बात है कि अगर दो एलिमेंट का एटॉमिक मास तो ठीक है, अलग अलग है, लेकिन क्या उनका केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम कर रहे? तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। तो एटॉमिक मास के हिसाब से उनकी क्या होनी चाहिए? केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होनी चाहिए, लेकिन ये भी प्रॉब्लम था। तो आइसोटोप्स मतलब क्या? सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, आपको तो पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स मतलब एलिमेंट ही होते हैं, लेकिन ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक मास क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट होता है, लेकिन उनके केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं? सेम आ जाते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम ही हो गया कि केमिकल प्रॉपर्टी वो भी अलग अलग आनी चाहिए थी। और फिर थर्ड है, थर्ड वाला डीमेरिट्स है, वेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास के हिसाब से जब एलिमेंट को अरेंज करते हैं, द राइज इन एटोमिक मास डज नॉट अपेयर टू बी यूनिफॉर्म। तो देखो, डज नॉट अपेयर टू बी यूनिफॉर्म, राइज इन एटोमिक मास मतलब जैसे देखो कि राइज इन मतलब जो भी बढ़ोतरी होती है, जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर रहता है, वो क्या होना चाहिए? एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब एक फिक्स अमाउंट में वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। मतलब अगर देखो कोई अगर अगर हम टू का टेबल पढ़ते हैं तो टू 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 द फोर, टू फोर टू थ्री का सिक्स, टू फोर द एट, मतलब टेन ट्वेल्व, तो मतलब उसे टू के डिफरेंस कैसे हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एक यूनिफॉर्म ग्रोथ हो गई उसकी टेबल्स की। तो उसी तरह से एटॉमिक मास जो भी एलिमेंट था उनका एटॉमिक मास भी कैसे होना चाहिए? था यूनिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता था। इसलिए ये क्या बोल रहा है कि अरेंज इन अकॉर्डिंग मासेस राइज एटॉमिक मास डज नॉट अपेयर यूनिफॉर्म। तो यही आप लिख लीजिए, एटॉमिक मास डज नॉट अपेयर यूनिफॉर्म। तो तीन आप डीमेरिट्स ध्यान में रखिए, द होल होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम,
देयरफॉर देयर इज एन एम्बिग्यूटी मीन्स कंफ्यूजन रिगार्डिंग द सीक्वेंस इन द मेंडेलीज पीरियोडिक टेबल। इसलिए उसके सीक्वेंस में क्या आ गया, एम्बिग्यूटी मीन्स कंफ्यूजन आ गया। और आइसोटोप्स क्या था, आइसोटोप्स में सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटोमिक मासेस थे, इसलिए उनकी भी पोजिशन के लिए क्या आ गए, प्रॉब्लम्स आ गए। और जो भी एटॉमिक मास के हिसाब से जो भी अरेंज किए तो यूनिफॉर्म अपीयर नहीं होते, एटॉमिक मास नॉट अपीयर डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। और पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन के बारे में देख ले, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन शो सिमिलैरिटी विथ हैलोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन किसके साथ शो कर रहा था, हैलोजन, हैलोजन क्या है, ये ग्रुप है सेवन जो भी, फिर वो मतलब क्लोज जिसमें गैसेस है बहुत सारे, तो उसके हम बारे में बाद में पढ़ेंगे लगे तो हैलोजन वगैरह क्या है। तो कहने के लिए इन द सेम वे देयर इज एन सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सिमिलरिटी किसके होती है एंड अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप वन और ग्रुप सेवन ये क्या दे रहे थे, ग्रुप वन एंड ग्रुप सेवन सिमिलरिटी शो कर रहे थे, देयर इज सिमिलरिटी इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड उसके हिसाब से अल्कली मेटल के। तो आप इतना बस ध्यान में रखिए कि फोर्थ वाला क्या था, कि सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल। तो इस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं बस कर ले रहा हूँ यहाँ पे, देखिए सिमिलरिटी इन द सॉरी ये हो गया और ये था। ग्रुप देख लीजिए तो यहाँ पे है सब, तो देखिए सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल्स क्या आते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे लगे तो, ग्रुप क्या चीज़ होती है वो तो हम बाद में, वो भी बाद में पढ़ेंगे। चलो तो ठीक है, चार डीमेरिट्स आपको, इस डीमेरिट्स की वजह से ही फिर नया टेबल निकला और नया लॉ निकला जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और जिसका जिसने ये किसने बनाया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, किसने बनाया, तो इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोसेली डिमॉन्स्ट्रेट किया उसने, हेनरी मोसेली ने ये बस डेमोस्ट्रेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और उसका क्या था ये थोड़ा सा, अब थोड़ा ये इम्पोर्टेंट सेक्शन चल रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये है प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, थोड़ा सा देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, थोड़ा सा फोकस से ध्यान में रखिए यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, ये देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा है, एटॉमिक नंबर तो मतलब जो भी डोबेराइनर था, डोबेराइनर भी क्या यूज़ कर रहा था, एटॉमिक मास के बेस पर सोच रहा था। और न्यूलैंड्स ने उसने भी ऑक्टेव बनाया अपना, वो भी क्या बोलो, वो भी एटॉमिक मास के ऊपर फोकस कर रहा था। अपना मेंडेलीव आया वो भी एटॉमिक मास के हिसाब से फोकस कर रहा था, लेकिन जो ये हेनरी मोसेली आया जिसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया उसके हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बनाया, तो उसने क्या लिया, प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स है ना कि एटॉमिक मास, थोड़ा सा ये लिख लीजिए आप हेडिंग। और चलो अब हमें पढ़ना है कि एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये इसका जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इधर कर लेंगे हम टच। चलो तो ये स्ट्रक्चर दिखा जाए आपको, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक वाला स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है मतलब क्या, जो हमको ये जो टेबल दिखता है यहाँ, ये जो टेबल है, ये टेबल ही इसका ही, इसके बारे में सब पढ़ना है हमको। और इसी से अभी यहाँ से चैप्टर रियल में शुरू हो गया है, इससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने ये टेबल को अच्छे से ड्रॉ किया होगा, ये ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक ये आपने सब लिख लिए होंगे। और यहाँ पे जो भी होता है हैलोजन होता है यहाँ पे,
यहाँ पे हैलोजन्स होते हैं, ये आपने नहीं लिखा होगा तो मैं लिखने को बता देता हूँ आपको। तो देखिए आगे लिखते हैं हैलोजन, हैलोजन होते हैं, क्या है हैलोजन, हैलोजन उधर जेट के ऊपर पेड़ बैठ जाना रहने का, उनसे जोर से रहने का। हाँ ठीक है, तो फिर हम इसके बारे में फिर बाद में ये करेंगे, हैलोजन्स वगैरह ये जीरो ग्रुप वगैरह। तो फिलहाल हम ये जो है स्ट्रक्चर इस टेबल का, ये जो टेबल है उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप कुछ पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिए उसमें से। तो पहली लाइन पढ़िए, पहली लाइन देखिए आप, द मॉडर्न पीरियडिक टेबल कंटेन, मॉडर्न पीरियडिक टेबल कंटेन सेवन हॉरिजॉन्टल रो, क्या बोला है उसने, सेवन हॉरिजॉन्टल रो दिखाई दे रहा है, सेवन हॉरिजॉन्टल रो, सेवन हंड्रेड रो, उस कॉल्ड द पीरियड्स, उसको कहाँ है उसने, पीरियड्स कहाँ है कि जो भी सेवन हॉरिजॉन्टल रो है। अब सेवन हॉरिजॉन्टल रो कौन से, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है, सेवन हॉरिजॉन्टल रो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। चलो अब मैं आपको बता दूँ सेवन हॉरिजॉन्टल रो कौन से, तो यहाँ पे हाँ चलो मैं बता देता हूँ, सेवन हॉरिजॉन्टल रो ये देखिए, ये एक एक हो गया, मतलब ये हॉरिजॉन्टल में सोचिए आप, ये एक हो गया, अभी दूसरा एक हो गया, अभी दूसरा, अभी दूसरा बनाएंगे, ये देखो ये दूसरा, दूसरा हो गया शायद यहाँ पे, ये वन टू हो गया, ये दूसरा, अभी और एक बनाएंगे, तीसरा, अभी ये तीसरा, ये देखिए तीसरा, तीसरा हो गया, अभी ये फोर्थ वाला और एक बनाएंगे, फोर्थ, ये फोर्थ वाला। अब ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मतलब कहाँ पे, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, मतलब कैसे, देखो हाइड्रोजन की लाइन देखिए, जरा आप समझिए इसको, इन चीज़ों को समझिए आप, मैं कहाँ बना रहा हूँ। तो ये जो टेबल दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, सोचिए ये पहले वाला जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको पीरियड्स कहेंगे, तो ये फिर यहाँ पे भी आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ये कहाँ इससे लाइन आ गई नहीं, अब ये यहाँ पे चाहिए ना थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, ठीक है, कितने हो गए, पाँच हो गए, पाँच हो गए, अभी अभी छः, छः नहीं आ रहे, अच्छा आ रहे, छः वाला ये देखिए, छः और एक बार करेंगे, और एक बार, और ये सात, ये देखिए ये सात दिखाई दे रहे हैं आपको अभी, ये अभी सात हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, छः हॉरिजॉन्टल रो कितने हैं, सात है। चलो पहले रो में कितने एलिमेंट है मुझे बताओ, पहले रो में कितने एलिमेंट है, तो पहले रो में एलिमेंट है दो, मतलब कौन से एलिमेंट है पहले रो में, दो एलिमेंट कौन से, मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ आपको, अभी पोर्ट्रेट कर लेता हूँ, मतलब आपको दिखाई भी देगा वैसे, चलो मैंने पोर्ट्रेट कर लिया, तो मुझे बताइए पहले इसमें कौन से एलिमेंट है पहले रो में, तो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हीलियम है पहले इसमें, दूसरे इसमें कौन से एलिमेंट है, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन न्यूआन, देखो सेकंड वाले रो में, तो थर्ड वाले इसमें सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, तो बस यही आपको ध्यान में रखना है कि सेवन रोज है, सेवन रोज है, वन फर्स्ट रो में क्या है, सेकंड रो में क्या है, थर्ड रो में, तो ये क्या है वो तो बाद में देखेंगे, वो तो ऐसे आपको याद हो जाएंगे देखते देखते पढ़ते पढ़ते, लेकिन फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, ठीक है, तो उन रो को कहेंगे क्या कहेंगे, हम जो भी रो है उनको पीरियड्स कहेंगे, तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन्थ पीरियड, तो कितने पीरियड से, सेवन्थ पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में कौन से एलिमेंट है, मतलब रो को ही हम पीरियड्स कहेंगे जो, तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, दो, एक हाइड्रोजन दूसरा हीलियम, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन सोडियम, इतने एलिमेंट है, तो सोडियम, फिर थर्ड वाले पीरियड में, फोर्थ वाले पीरियड में, जैसे आप पूरा पढ़ सकते थे, चलो हो गया, तो ये बात आपने पढ़ी, आगे देखते हैं ये स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं हम, स्ट्रक्चर सिमिलरली, सिमिलरली उन्होंने बोला है हमको, क्या बोला है अपने को, सिमिलरली, सिमिलरली, चलो देखो सिमिलरली क्या है, सिमिलरली एटीन वर्टिकल, सिमिलरली एटीन वर्टिकल कॉलम, एटीन वर्टिकल कॉलम दिख रहा है आपको यहाँ से, सिंगल एटीन वर्टिकल कॉलम आर द ग्रुप, आर कॉल्ड ग्रुप,
क्या हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स। तो अभी वर्टिकल कॉलम्स क्या है, 18, और वो भी कितने, 18, 18 मतलब 1818, समझ में आ रहा है ना, 80 नहीं 18, तो 18 कहाँ दिख रहे हैं हमको, तो उनको कहेंगे ग्रुप्स। तो 18 कहाँ है, देखो यहाँ पे दिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये देखो ब्लॉक, एस ब्लॉक के नीचे 1 लिखा है, वह उसके नीचे 2 लिखा है, फिर यहाँ डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक पे यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर यहाँ पे पी ब्लॉक, उसके ऊपर नीचे लिखे 13 14 15 18 19। तो ये भी जितने भी कॉलम्स है वर्टिकल कॉलम्स, उनको कहेंगे ग्रुप्स। तो आप बस ये दिमाग के अंदर फिट रखें, जो हॉरिजॉन्टल है वो है पीरियड, और पीरियड्स कितने हैं, 7 है। हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड पीरियड इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल, द हॉरिजॉन्टल रो इज द पीरियड्स एंड देयर आर 7 पीरियड्स, नंबर फ्रॉम 1 to 7 पीरियड्स, और रोज, हाँ हॉरिजॉन्टल रोज, और कॉलम कितने हैं, कॉलम को कहेंगे ग्रुप्स, और कितने ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स, नंबर फ्रॉम 1 to 18। ये शायद आपको अभी ध्यान में आ गया होगा कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स है और टोटल 18 ग्रुप्स है, शायद आपको भी पता चल गया होगा। आया ना कुछ तो बोलो, चलो हो गया हमारा, चलो कोई बात ठीक है। और फिर बाकी आपको कुछ ध्यान रखने की नहीं है, तो फिर आप ऑल द, अब थोड़ा सा ये भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए आप कि अभी कितने एलिमेंट्स है टोटल, टोटल अभी एलिमेंट्स है 118, ठीक है, 118 टोटल एलिमेंट्स है। अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ आपको कितने एलिमेंट्स है, टोटल 118। ठीक है, यहाँ पे दिखाई देखिए 118 एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स आर नाउ ऑल द 118 एलिमेंट्स आर नाउ डिस्कवर, ठीक है। तो अब तो बाकी चीज़ें तो हमने पढ़ के रखी थी कि देखो द एंटायर पीरियडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू द 4 ब्लॉक्स, तो पूरा जो टेबल है वो कितने इसमें डिवाइड है, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है ना, एंटायर पीरियडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, कौन से वाइज, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, एंड डी ब्लॉक एंड, और लास्ट में एक था, लास्ट में कौन सा ब्लॉक था, एंटायर टेबल इज पी ब्लॉक, ए ब्लॉक एंड लास्ट में एफ ब्लॉक, ए ब्लॉक को मत भूलिए आप, और लास्ट में एफ ब्लॉक, ठीक है। तो एंटायर पीरियडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू एस ब्लॉक, तो यहाँ तक बस आप ध्यान में रखिए। तो कितने कितने ब्लॉक्स में, 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, और आगे वाला जो सेशन है हम कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, तो टाटा बाय बाय, हम फिर रहेंगे। तो चैनल को, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, थैंक यू सो मच। तो इसका आगे का सेक्शन